अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों आप लोग के लिए, और आज इस वक्त मैं आया हूँ हाजी मलंग में। आप लोग देख सकते हैं मैं बस यहाँ पर बस खड़ी हुई है, और अभी जस्ट मैं पहुँचा हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं ये बस डिपो के पास खड़ा हूँ, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत फॉग है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा बराबर। ये पाँचों पीर है, और देख सकते आप लोग बाला हंसार है यहाँ पर, और यहाँ से वक्त हम लोग चढ़ते हुए जाएंगे अभी। ये हाजी मलंग का पहाड़ है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे लास्ट में। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बाला हंसार है। तो चलिए अभी अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए नया रोड बना है ये जाने के लिए, और अभी आपको दिखाऊंगा जहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए मेट्रो बनी है नहीं वहाँ पर जाने के लिए आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग देखिए स्टार्ट हो गया हम लोग चढ़ना, अभी लोग चढ़ते हुए जाएंगे ऊपर तक इंशाल्लाह, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई पहाड़ पे चढ़ने की। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए झरना बह रहा है यहाँ से, और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। अभी हम लोग आगे जाके यहाँ से आप हम लोग लेने वाले हैं टिकट। देखिए आगे यहाँ से टिकट मिलेगा, 2 रुपये टिकट लगता है, आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर टिकट लिया हमने अभी, 5 रुपये टिकट लिया, सॉरी 5 रुपये का टिकट। ये देखिए 5 रुपये टिकट लिया अभी यहाँ से। देखिए ये टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से टिकट लिया हमने अभी। और ये अंकल को दिखाना पड़ेगा टिकट, टिकट दिखाना नहीं पड़ता, ये आपने पैसा दिया है। हाँ मेंटेनेंस के लिए। ओके सर, ओके शुक्रिया। डंडा मिल रहा है यहाँ पे से डंडा लेने का, फिर चलने का जाने का। अभी रास्ता देख सकते हैं आप लोग, अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट हुए चढ़ना स्टार्ट किए। चलिए इंशाल्लाह आपको जल्दी ही मिलेंगे। बज रहा है ये, देख सकते आप लोग यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर दिया सब पब्लिक, ये चढ़ रहा है यहाँ पे, ये भी मेरा दोस्त भी चढ़ रहा है ऊपर। पब्लिक देख सकते आप लोग चढ़ रहे, देख सकते पहला होटल यहाँ पर आ गया। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, कुछ यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे मुर्गी बकरी सब बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे बंदर है बहुत सारे लोग, देखो देखो बंदर यहाँ पर देख सकते हैं। अभी देखो बंदर जा रहा है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा है, देखो ये खा रहा है यहाँ पर चना खा रहा है। देखो कैसे खा रहा है चना, देख सकते चंदा एक गिर गया चना, उसका चना उठा के खा रहा है, वो पूरा पैकेट लिया हुआ चना का। देखो पूरा चना का पैकेट लिया यहाँ पर, कैसे फाड़ फाड़ के खा रहा है, ये गाल में पूरा भरा हुआ। देखिए देखिए देखो देखो ये फूला हुआ है, गाल में भर लिया इसने खाने के टाइम, बाद में खाएगा। ठीक है यहाँ पर भी एक बंदर, यहाँ से भी बहुत सारे हैं। देखो छोटा बच्चा है यहाँ पर खड़ा है, देखे ना लटका के, देखो अपने बच्चे को लिया हुआ है, एक पेड़ बच रहा है। तो बहुत सारे बंदर यहाँ पर, अरे रुको घबरा रही है। दोस्तों हम लोग देख सकते हैं आप लोग बहुत अभी ज़्यादा दूर नहीं आए, पर माशाल्लाह बहुत ही चढ़ाई कर लिया अभी हम लोग ने कुछ ही टाइम के अंदर। देख सकते हैं कितना ऊपर हम लोग चढ़ चुके हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से। और देखिए यहाँ से अभी हम लोग चढ़ने वाले, आप लोग बता सकते हैं कितना सीढ़ी है यहाँ पर, अभी हमने काउंट नहीं किया है, बट आप लोग बता सकते हैं कमेंट में कि कितना सीढ़ी है यहाँ पर।
देख सकते आप लोग, देखे जायरीन चढ़ के आ रहे हैं, देखे जायरीन चढ़ के आ रहे, देखे जा रहे हाजी मालंग के लिए। काफी पब्लिक आ रही है अभी इस टाइम, काफी पब्लिक आ रही है देख सकते आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है हाजी मलंग बाबा के दरगाह में आना, उनको बुलावा। देख सकते आप लोग ये मेट्रो स्टेशन है, अभी स्टेशन कंप्लीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बन चुका है और बहुत दिन बाद बनता, अब तो अभी स्टार्ट हो गया काम यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो ये काम चालू है, यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पर खड़ी है, काम कर रही है और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जल्दी काम चल रहा है, बहुत फास्ट काम चल रहा है। कुछ दिन तक काम बनता है यहाँ पर, बट अभी काम चल रहा है। तो माशाल्लाह अभी आपको और दिखाता हूँ ऊपर जाके, देखिए वहाँ पर जो भी जितना भी सामान मटेरियल जो भी लग रहा है बट सब लेके जा रहे हो, देखिए सामने दिख रहा है मेट्रो का। तो अभी हम लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं आप लोग, और अभी पसीने से भीग चुके हैं, काफ़ी ऊपर आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं आया अपन, फिर भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं आप लोग, पूरा फॉग फॉग है और कुछ मेरे साथ जो आए हुए हैं देख सकते हैं आप लोग। देखिए तेरी छोटी बच्ची आ रही है, हम लोग काफी ऊपर आ गए हैं और अभी हम लोग बैठे हैं जूस पीने के लिए यहाँ पर। अभी दो रास्ते जा सकते ऊपर जा रहे हैं लोग, और इस साइड देखिए काफी पूरा आ गए हम लोग, काफी अच्छा व्यू है यहाँ से। काफी अच्छा व्यू है और माशाल्लाह देख सकते हैं बहुत ही, मतलब बहुत दिनों बाद हमको ज़ियारत करने मिलेगा, 1.5 साल बाद आया हूँ मैं इस बार, नेक्स्ट ईयर में रोज़े के एक दिन पहले आया था। माशाल्लाह मैं बहुत दिन बाद आज ज़ियारत करने जा रहा हूँ, और फिर मेरे को रोज़े से एक दिन पहले आया था मैं, और काफ़ी साल के बाद आ रहा हूँ, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, और माशाल्लाह आज बहुत दिनों बाद ज़ियारत होगी। तूने पिया ना, हमें पीने दिया। गाइस देख सकते हैं हम लोग पहली दरगाह पहुंच चुके हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हम लोग की, और बहुत ही जल्दी पहुंचे हम लोग, आधे घंटे से भी कम लगा हमें चढ़ने में। और गाइस देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी बंदर है आपको तो पता ही, देख सकते हैं आप लोग दरगाह से भी आपको अंदर से दिखाता हूँ। अभी देखिए पहली दरगाह के पहुँच गया और बहुत सारी बंदर यहाँ पर, देखिए जायरीन यहाँ से आ रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ पे डोली, देखो डोली लेके जा रहे हैं लोग, इसको बोलते हैं यहाँ पर डोली। यहाँ पर इस टाइम दो ही लोग हैं, पर यहाँ पर 4 से 5 लोग रहते हैं लेके जाने के लिए। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे चढ़ना। देखिए एक आंटी बैठी हुई इसके अंदर पानी पी रहा है। चलो मैं पहली दरगाह पहुंच के देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर चद्दर उधर मिल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैठने के लिए सब बनाया हुआ है, और यहाँ चद्दर ले रहे हैं, और देख सकते हैं सामने जाने का रास्ता। अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह में, वज़ू बनाएंगे, वज़ू बनाने के बाद हम लोग जाएंगे दरगाह के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर चद्दर उधर मिले, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर चद्दर तो निकालने के लिए है, और यहाँ पे देखिए दरगाह, ये पहली दरगाह है।
आज सुबह देख सकते हो पहली दरगाह पे आए, बाबा की ज़ियारत करा रहे हैं। आपको देख सकते हो पहली दरगाह है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह शरीफ है। ये पहली दरगाह है, आप लोग देख सकते हैं। पहली दरगाह हम लोग ज़ियारत कर लिए, देख सकते हैं ये पर दरगाह है। अभी हम लोग जस्ट दरगाह से ज़ियारत करके जस्ट निकले हैं अभी बाहर हम लोग। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। और अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ मेन दरगाह के, हाजी मालन बाबा के दरगाह शरीफ पे जाएंगे। ये देखिए मेन दरगाह, मतलब पहली दरगाह ये है। पहली दरगाह के हम लोग ज़ियारत कर लिए हैं। ये अपने शोएब भाई है, अपने साथ आए। और अभी हम लोग जा रहे हैं रियाज भाई अपने, और देखिए अभी हम लोग चल रहे हैं। माशाल्लाह अभी हम लोग पहली दरगाह ज़ियारत कर लिए हैं, अभी जा रहे दूसरी दरगाह के लिए। आप लोग देख सकते हैं ज़ाहिरीन बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ज़ाहिरीन बहुत सारे लोग जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हर जगह पे पानी, जूस, हर चीज़ की सुविधा यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सीढ़ी मैंने आपको बोला था कितनी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई तो बोलता 4000 सीढ़ी, कोई बोलता 5000 सीढ़ी, कोई बोलता 8000 सीढ़ी है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कितना सीढ़ी है यहाँ पर और कितने घंटे में आप लोगों ने चढ़ा था यहाँ पर। हमें तो हो गया है 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे माशाल्लाह अभी हम लोग चढ़ने वाले। आप लोग कितने घंटे में चढ़े थे दरगाह, पहुँचे थे, बता सकते हैं कमेंट में। और कुछ बंदर देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सीढ़ी, अभी सीढ़ी आपको दिखेगा नहीं, बहुत कम ही सीढ़ी है यहाँ पर। अब प्लेन हो चुका है ऐसा लग रहा है, और काफ़ी फास्ट चढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर हम लोग। आधे घंटे के अंदर हम लोग चढ़ जाएंगे पूरे दरगाह शरीफ के पास पहुँच जाएंगे। और माशाल्लाह देखिए बाला अंसार दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही पास आ चुके हैं। देखिए वहाँ पर झंडा भी लगा हुआ है, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेट्रो आएगी, मेट्रो रुकेगी, यही प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पूरा। और फिर देख सकते हैं आप लोग ये मेट्रो का बनने का वो, और काफ़ी नीचे से मेट्रो आ रही है। और ये दरगाह का गेट दिख रहा है, एक दरगाह का गेट यहाँ से दिख रहा है, ये देख सकते हैं सामने ये दरगाह का गेट है। अभी हम लोग जस्ट दरगाह के सामने पहुँचेंगे, और 2 से 4 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 से 4 मिनट उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अपने को पहुँचने के लिए, क्योंकि गेट दिख रहा है यहाँ पर हमको। चलो देख सकते हैं आप लोग गेट, गेट का दरगाह दिख रहा है, हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, ये लॉज है, सब लॉज है, यहाँ पर रुकने के लिए रहता है। क्या प्राइस है लॉज का? 200 रुपये लॉज का, देखो 200 रुपये प्राइस है यहाँ पर, देख सकते यहाँ पर। देखिए ज़ाहिर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बहुत ही माशाल्लाह बहुत खुश नसीब है हम लोग, बहुत दिनों बाद हम लोग आए यहाँ पर। देखिए होटल है यहाँ पर, ये साइड में देखो लॉज है। देखिए माशाल्लाह बहुत दिनों बाद हम लोग आए हैं यहाँ दरगाह पे। देखिए यहाँ पर सिख हलवा पराठा, यहाँ पे 200 रुपया 300 रुपया जैसे लॉज रहे, जैसे क्वालिटी रहे उसका, वो इतना ले मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हलवा पराठा, और यहाँ पर जैसा लॉज रहेगा वो इस तरह से मतलब प्राइस रहेगा उसका, जितना अच्छा उतना प्राइस, कम से कम 500 रुपये तक, 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक स्टार्टिंग है। तो आप पे डिपेंड करता है कितना लगेगा और कितना आप बार्गेनिंग कितना कर सकते हैं। आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको कम से कम में मिलेगा। माशाल्लाह देख सकते हैं हम लोग दरगाह के पहुंच गए हैं, दरगाह शरीफ हम लोग के सामने ये जस्ट, और ये देखो लॉज है यहाँ पर।
लॉज लॉज ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये खाने पीने के लिए दुकान, ये खाने पीने के लिए दुकान देख सकते हैं आप लोग, ये लॉज है यहाँ पर। भाई क्या प्राइस है लॉज का? 500 रुपये। ठीक है, लॉज का प्राइस है 500 रुपये। माशाल्लाह देख सकते हैं इस साइड भी लॉज है सब, 500-400 जैसा जैसा आप बार्गेनिंग कर सकते हो उस तरह से। और देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते आप लोग, हम लोग सामने जस्ट मजार शरीफ है, मजार शरीफ है, देखिए ये मजार शरीफ, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है दरगाह शरीफ लग रही है। बन गई माशाल्लाह, देख सकते हैं हम लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं, माशाल्लाह देख सकते हैं हम लोग दरगाह के अंदर जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम लोगों ने ज़ियारत कर लिया दरगाह की, अभी हम लोग जाने घोड़े के टाइप के पास, तो चलिए आपको दिखाता हूँ घोड़े के टाइप के पास। दोस्तों देखिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर घोड़े टाइप के पास, घोड़े के टाइप के पास कुछ इस तरह से रास्ता है यहाँ पर जाने के लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पीछे ही जस्ट है, इलायची का फायदा क्या है? अरे जब बाबा आरुषि यहाँ आए थे ना तो इलायची खाए छिलका फेंका तो पहाड़ के अंदर झाड़ बन गया, पूरा पहाड़ में फैल गया झाड़। अच्छा। झाड़ का इलायची जो खाते उसकी सारे बीमार तकलीफ दूर होते हैं, जिसको बीन बच्चा का है वो भी खाते तो उनके बच्चा होता है, जिसका नियम है हम बताए ऐसा ऐसा होते हैं। वो इलायची के बारे में पूरा जानकारी आपको यही है, आपको जानकारी और ज्यादा लेने है तो किताब भी मिलेगा आपको उर्दू में, हिंदी में किताब हमको मिलता है इधर। जी शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो हम लोग घोड़े के टाप के पास जा रहे हैं, ये घोड़े का टाप के पास आ गए हम लोग अभी। ये घोड़े का टाप चश्मे का पानी, इस पानी से बाबा ने वजू बनाए थे नमाज पढ़ने के लिए, पानी को 900 साल हो गए, ना पानी ऊपर आता ना पानी नीचे जाता, जब कभी आप लोग आएंगे तो पानी इतना ही पाएंगे। घर में किसी को दिक्कत परेशानी रोजी रोजगार में बरकत नहीं है तो घर के चारों कोने में सबसे हाथ से पानी छींटने का, गंदगी नापाकी की तरफ पानी बिल्कुल नहीं डालने का, घर में कोई दिक्कत परेशान है बीमार रहता तो उसको पानी पिलाने का। भाई जी शुक्रिया बाबा आपका, देख सकते पानी है अंदर से पानी भर रहे, पानी जो पी लो आप साइड में हो जाओ, दूसरे को भी आने दो, ढके हैं इसीलिए बोल रहे हैं ना। देखिए दोस्तों यहाँ से देखिए हम लोग आए, यहाँ से चढ़ते हुए, यहाँ से चढ़ते हुए देखिए फर्स्ट, ये पहली दरगाह, यहाँ से हम लोग चढ़ते हुए आए थे, ये पहली दरगाह है, देखिए दिखा रहा आपको मैं, ये पहली दरगाह है, फिर पहली दरगाह से हम लोग यहाँ से चढ़ते हुए आए और इस वक्त हम लोग हैं घोड़े के टाप के पास, पानी घोड़े के टाप के पास, और हमने अभी पानी पिया, बहुत ज़्यादा शिफा है। अभी हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे आपको दिखाते हैं, फिर और जाके देख सकते हैं आप लोग कितनी नीचे खाई है। देखिए हम जो गुफा में दरगाह है वो दरगाह के पास जा रहे हैं, इस वक्त देख सकते हैं हम ऐसे पहाड़ ही पहाड़ रास्ता है और हमें ऐसा ही जाना है, देख सकते हैं आपको कुछ ही टाइम में दरगाह पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि गुफे में है।
देख सकते हैं, देखिए हमें रास्ता दिख गया जहाँ पे गुफाली दरगाह का रास्ता है। देख सकते हैं अभी हम उतर रहे हैं, और देखिए झंडा आपको दिख रहा होगा, वो झंडे के पास ही दरगाह है, और हम उतर रहे हैं। देख सकते हैं सीढ़ी थोड़ा देख के आपको उतरना पड़ेगा। देख सकते हैं आगे उधर आपको झंडे, देखो तीन झंडे दिख रहे हैं आपको, झंडे के पास ही दरगाह है। और देखिए कितने ऊपर हम लोग कितने हाइट पे हैं आप देख सकते हैं। देखिए नीचे का हमें खिलौना जैसा टाइप दिख रहा है, इतना नीचे इतना ऊपर है। देखिए पूरा शहर दिख रहा है, और देखिए वहाँ पे जाना है हमें। देखिए फूल ले लो, बिजनेस का फूल है गुलाब का। हाँ ले लो, ले लो। पेस करो बाबा को, ये जितना देर तक ताजा रहेगा ना जरूर से पड़ जाएगा आपके। जानकारी ये है कि ये बाबा अपने हाथ से गुफा को बनाए और 40 साल तक यहाँ इबादत करते रहे, और अपने हाथों से इन्होंने अपना खुद को मकान बनाया है यहाँ जी। शुक्रिया। और बाहर ये कुर्सी रखी हुई है इनकी इबादत बढ़ सके, वो इबादत करते थे जी। जानवरों को खाना पानी देने का इनका काम था जी, और इनका भोजन केवल काली चाय, काली चाय जी हाँ, काली चाय। और ये सारा इंतजाम जितना भी ये बने हुए हैं ये गुफा का, ये सब पूरा मट्टी निकाल करके ये अपना खुद से बनाए, और ये अपना मकान अपने से खुद को बना करके जी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूब, जैसे कि आपको जानकारी मिल रहा है यहाँ पर बाबा ने खुद से अपना मज़ार बनाया जी, गुफा जो है ये काट के उन्होंने बाबा ने खुद से बनाया है ये, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। देखो कुछ दूँ क्या, फूल चादर सिन्नी अत्तर गुलाब अगरबत्ती, देखो गाइस देख सकते हैं आप, ये गेट है पांचों पीर जाने का गेट है ये दरगाह पे, जो कि हमें उस पहाड़ी के कॉर्नर पे जाना है। तो आप देखते रहिए वीडियो को, और हमको आपको हम दिखाते हैं कैसे जाना है और क्या है किस तरफ। आगे चला पहले, आगे चल जी ना, चलो वहां पहुंचिए। ए अपने माता की चढ़ाओ ठीक है, आराम से चलो। देख सकते हैं पांचों पीर जाने के रास्ते पे ये पड़ता है। मारे तकदीर कुछ जाओ अल्लाह को पहले दिया पहले यार, इतने जल्दी लिखी पहले भाई पहले देना। अरे उतर आ चुके, देखिए कितना नीचे है। और आपको देखिए सामने वहाँ पे जाना है हमें, ये देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम लास्ट कॉर्नर पे। और इस तरफ देखिए कितने नीचे पे हैं पहाड़, देखिए पूरा खाई देखे दिख रहा है यहाँ पे, जिससे पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर पैसा चिपकाते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद हम लोग जाएंगे पांचों पीर। तो इंशाल्लाह अभी जल्दी आपको दिखाता हूँ मैं जहाँ पर पैसा चिपकाते हैं। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर पैसा चिपकाया जाता है, अभी हम लोग पैसा चिपकाने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पर बोलते हैं बहुत सारी मान्यता रहती है, जो मान्यता मतलब मांगेंगे उसको मान के चिपका जाता पैसा यहाँ पर। हम लोग जा रहे हैं पांचों पीर के लिए, ठीक है यहाँ पे उतर रहे हैं लोग पांचों पीर के लिए। पांचों पीर के लिए देख उतर रहे हैं यहाँ पर पूरी खड़ी चढ़ाने। देखिए कुछ लोग उतर रहे हैं यहाँ पर नीचे,
है। हम लोग अभी जा रहे हैं पांचों पीर के लिए, आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं। जस्ट हम लोग 10 से 15 मिनट लगेगा पहुंचने के लिए पांचों पीर। तो आप लोग देख सकते, देखो पांच पीर का दरगाह है, आपको दिखाता हूँ मैं पांच पीर दरगाह। देखिए एक दरगाह यहाँ पर, और देख सकते हैं पांचों पीर में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर दरगाह शिव आपको दिखाता हूँ मैं, ये पांचों पीर की दरगाह है, आपको दिखाया था मैंने, ये वही दरगाह है आपको जो मैंने बताया था। ये दूसरे बाबा, अभी मैं दिखाया आपको पहला, ये दूसरे, और ये रहा तीसरा मजार शरीफ, ये रहा चौथा मजार शरीफ, और ये रहा पांचवा मजार शरीफ, और एक छठवा मजार शरीफ है वो खादिम का है। ये पांचवा मजार शरीफ जो है खादिम का मजार शरीफ है। पाँच मजार, पहली मजार खादिम साहब की, ये पाँचपीर की पाँच बड़े बाबा, पाँचपीर के बड़े बाबा, ये पाँचपीर के बड़े बाबा है, पाँचपीर के बड़े बाबा है। आपको मैं दिखाया पाँचपीर के सारी दरगाह, पहली खादिम साहब की, पहली जो है वो खादिम साहब की है, और दूसरे बाबा, दूसरे एक जो दरगाह है वो दूसरे बाबा की, तीसरे बाबा की, ये चौथे बाबा की, और पाँचवें बाबा की, और ये जो दिख रहे आप ये मेन बाबा जो है, मतलब बड़े बाबा जिसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं।